फॉलो करनी ही करनी चाहिए। अगर आप 10 साल के बच्चे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज 4 साल के बाद डालना। और अगर आपको लड़कियों से काफी अच्छा रिएक्शन चाहिए, अगर ऐसा रिएक्शन नहीं चाहिए और ऐसा रिएक्शन चाहिए कि लड़के तुम्हारे पीछे भागे और तुम बोलो बचाओ, मतलब इस टाइप का रिएक्शन चाहिए, तो चलो वीडियो की तरफ। फर्स्ट पॉइंट होने वाला है, आपके पास अगर कोई बटन डाउन शर्ट है तो आपका कॉलर हमेशा बटन डाउन होना चाहिए। उसमें जो बटन दे रखा है ना, वो गुल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं दे रखा है, तो शांति बनाए रखो और बटन डाउन करो। अगर नहीं करना ना, तो उठा के तोड़ के फेंक दो उस बटन को, फिर वो नॉर्मल रहेगी शर्ट, फिर कैसे भी पहनना अपनी मर्जी से बिना बटन लगाए। सेकंड पॉइंट वाला मोड वाला, अगर आपके पास कोई भी शर्ट है और उसकी लेंथ आपके क्रॉस से नीचे जा रही, तो वो टक कर ही जानी चाहिए किसी भी कीमत में, नहीं तो बकवास लगेगी, बेहुदा लगेगी। और सारी ड्रेस शर्ट में एक्स्ट्रा लेंथ होती ही होती है, वो भी टक कर ही जानी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे फोटो डाल रहा हूं, इधर एक रीजन है रेड लाइंस का, उसको देख सकते हो आप। इसके बीच में अगर आपकी शर्ट है तो वो बिना टक करे चल जाएगी, इसके नीचे है तो टक होनी ही चाहिए, नहीं तो। मैंने यार बहुत सारी शादियों में जब भी मैं चल रहा हूं तो घूम रहा हूं, मैं तो सोचता हूं कुछ तो खतरनाक लोग आएंगे खतरनाक काम करके, और मैं देखता हूं यार क्या किया, सूट अप होना है, सूट खुला, बटन खुले, नीचे से पैंट पहनी, कोई से भी शूज उठाए पहन लिए और अनटक शर्ट पहन के चल दिए। ऐसा लग रहा है भाई वो लोग सो रहे थे, मम्मी ने बोला बेटा शादी में चल, मम्मी मैं तैयार हूं चलने के लिए, मैं सेक्सी लग रहा हूं। मम्मी के हिसाब से सेक्सी लग रहा हूं, लड़कियों के हिसाब से नहीं। बटन वाला, आपको अपने सूट के साथ ऐसी नाइंसाफी कभी भी नहीं करनी। मेरा मतलब है कि उनको बिना पॉकेट स्क्वायर के कभी भी नहीं बैठना। यार ये पॉकेट की पहचान क्या है, पॉकेट स्क्वायर, उस बेचारे का नाम तेरा नहीं इस पॉकेट के बेसिस पे हुआ है, उसकी कम से कम ये उपलब्धि तो मत छीनो। वो जिंदगी में आएगा बेचारा कुएं में कूद के जान दे देगा पॉकेट स्क्वायर, समझो। इधर डालो, ये जेब रसगुल्ले छुपाने के लिए, फिर गुल्ली डंडे खेलने के लिए नहीं है, पॉकेट स्क्वायर के लिए, तभी अच्छा लगेगा। अब बताओ ये अच्छा लग रहा है या फिर, खुद बताओ यार। और जो फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है सूट का सेकंड बटन, कभी भी आपको नहीं लगाना है, तभी सूट सबसे ज्यादा सेक्सी होता है। मैं बता रहा था कि जो कॉलर का बटन है ना, वो गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं होता, लेकिन ये जो सूट का दूसरा बटन है, वो गिल्ली डंडा खेलने के लिए होता है, उसको उठा के नहीं लगाना है, तभी सेक्सी दिखोगे। फिफ्थ पॉइंट होने वाला है आपको लाइट कलर की जींस, मतलब लाइट वॉश वाली जींस, कभी भी फॉर्मल टाइप के शूज के साथ नहीं पहननी, जो लेदर टाइप के है, लेदर वाले स्वेड के साथ आप पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो लाइट कलर की जींस होती है वो कैजुअल होती है और स्वेड भी कैजुअल मटेरियल होता है। लेकिन अगर जिस दिन आपकी उस लाइट कलर की जींस में रिप्स आ गए, उसको आप स्वेड के साथ भी नहीं पहन सकते, अगर वो फॉर्मल टाइप का शू है। बूट्स के साथ पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ये बकवास मिस्टेक मत करना। इस पॉइंट होने वाला है आपको हमेशा ओकेजन के हिसाब से ड्रेस करना है। मैंने यार बहुत लोगों को देखा है शादी में आए जींस और टी-शर्ट पहन के आ गए, मैं तो सेक्सी लग रहा हूं यार, बकवास लग रहे हो यार, ओकेजन के हिसाब से ड्रेस करना सीखो यार, सूट पहन लिया करो कभी ना कभी, बड़े हो जाओ बच्चे मत रहो। सेकंड पॉइंट होने वाला है, अगर आपकी क्लोथिंग पे कोई से भी चेक्स या फिर स्ट्राइप्स या फिर कोई भी सी भी टाइप का पैटर्न है या फिर कोई बड़ा प्रिंट है, तो मतलब उसकी फॉर्मल नेचर डिक्रीज हो चुकी है। भले वो कोई सा भी कलर हो, उसकी फॉर्मल नेचर डिक्रीज हो चुकी है, आप उसको फॉर्मली किसी भी ऑफिस में कैरी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी उस एनवायरमेंट के हिसाब से, याद रखना। एक पॉइंट होने वाला है, ग्लासेस शुड बी ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप, नहीं तो आप बकवास लगोगे, छिलगोजे लगोगे, आप देख सकते हो छिलगोजे को, तो मैं नहीं चाहता मेरे भाइयों को छिलगोजा दिखे वो। अगर आपको वीडियो चाहिए ग्लासेस अकॉर्डिंग टू फेस शेप पे, तो कमेंट कर देना चाहिए। जो नाइन पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है, आपको कभी भी हाफ स्लीव्स की शर्ट के साथ टाई नहीं पहननी। मान लिया आप उसको ड्रेस डाउन कर सकते हो और ड्रेस अप कर सकते हो ट्राउजर्स के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ टाई पहन लो, वो बकवास लगती है। टेन पॉइंट होने वाला है आपको कभी भी अपने शूज को पैंट से या ट्राउजर से या जींस से कवर नहीं करना, नहीं तो उसकी रेड ही मर जाएगी, क्योंकि शू तो दिख नहीं रहा, क्यों पैसे खर्च करें, चप्पल पहन के चल लो, बकवास लगती है मिस्टेक। और जो ट्वेल्थ और लास्ट मिस्टेक होने वाली है, ब्लैक सूट सबसे बढ़िया होता है लोग मानते हैं, मेरे हिसाब से सबसे बकवास होता है, वो सिर्फ सुपर फॉर्मल ओकेजन पे पहना जा सकता है, शादियों में भी शायद अच्छा लगे, क्योंकि मुझे तो कलर पसंद है, इसलिए मैं मेरे लिए तो मैं उठाकर उसको बार फेंक दूंगा, आप समझ जाओ। तो बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।